हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फोटो स्टोर। आज के वीडियो में हम आपको डिजिटेक का एक नया माइक्रोफोन सिस्टम दिखाएंगे जिसका मॉडल नंबर है DWM103। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है। इसमें आपको ड्यूअल ट्रांसमीटर और एक रिसीवर मिलेगा। ये स्पेशली डिज़ाइन फॉर मोबाइल फ़ोन्स है। इसमें आपको टाइप सी इंटरफेस भी मिलेगी और लाइटनिंग जैक भी मिलेगा। दोनों तरफ इसमें अलग अलग जैक हैं, तो इसमें दो मॉडल्स नहीं है, एक ही मॉडल है जिसमें आप किसी भी मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मोबाइल के लिए डिजिटेक ने बेसिक में एक बनाया था सिंगल वाला, वो ये वाला था। इसमें ज़्यादा सेटिंग नहीं थी, प्लग इन प्ले सिस्टम था और ये सिंगल था इसके अंदर ट्रांसमीटर। इसी को इसने इम्प्रूव करा है, इसमें डबल इन्होंने बना दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो इसमें आपको ट्रांसमीटर मिल जाएंगे, एक प्लस इसमें चार्जिंग केस ऐड कर दिया है। जैसे चार्ज करना होगा तो आप आराम से इजीली केस में रख के चार्ज कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर इन्होंने जो एक्स्ट्रा डाला है वो है कि इसका बैटरी बैकअप बढ़ गया है। बैटरी बैकअप इसमें 4 घंटे का था, जो 4 से भी कम आता था, दो घंटे 2.5 घंटे का आता था, इसमें 8 घंटे है इन्होंने क्लेम करा, तो 6 घंटे तो आ ही जाएगा जो मैं जूम कर रहे हैं। प्लस इसके अंदर जो लेटेस्ट आजकल रिक्वायरमेंट होती है नॉइज़ कैंसिलेशन की, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन का डेडिकेटेड बटन है, वो इसके अंदर नहीं था। और कुछ वॉल्यूम कंट्रोल्स भी हैं, वो हम चेक करेंगे कि भाई वॉल्यूम कंट्रोल्स वर्क करते हैं नहीं करते। तो जो बेसिक डिफरेंसेस थे उन्होंने यही इन इसमें आए हैं। और बाकी अभी मैं बेसिक वाले से ही बात कर रहा हूँ, तो आपको डिफरेंस दिखेगा कि इसकी बाकी का वीडियो हम इस वाले माइक से करेंगे तो आपको दिखेगा डिफरेंस कि हाँ भाई क्या क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट है। और फिर हर बार की तरह इसका रेंज टेस्ट भी कर लेंगे। रेंज में इन्होंने कुछ इंक्रीज क्लेम करा नहीं है, रेंज इसमें उतनी ही इन्होंने बोली जितनी इस वाले में थी, नहीं इससे थोड़ी ज़्यादा है। इसमें 30 मीटर्स इन्होंने रेंज बोली, इसमें 10 मीटर्स है, तो बेसिकली रेंज भी आपकी 3 गुना हो गई है। तो मेजर अपग्रेड है, उस हिसाब से प्राइस में भी अपग्रेड आएगा ही, प्राइस एंड में बता ही देंगे आपको। तो देखते हैं इसको अनबॉक्स करके इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं। इस वाले को उठा देते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो इन्होंने हॉलीलैंड जैसा बिल्कुल सेम सिस्टम चार्जिंग केस इन्होंने बना दिया है। यहाँ पे बेसिकली सेंटर में आपका आ गया, ये है आपका रिसीवर, इसमें एक तरफ लाइटनिंग जैक है और एक टाइप सी जैक है। तो ये प्लग एंड प्ले सिस्टम है, इसमें अपना कोई पावर सोर्स नहीं है, ये जो आपकी पावर है उससे ड्रॉ करेगा फ़ोन से, तो इसमें इसको चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइड में इसके टाइप सी जैक है, टाइप सी जैक में आप इसमें हेडफोन लगा के सुन सकते हैं, लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और दो इसके ये हैं आपके ट्रांसमीटर, ये डिजिटेक जिस पर आप लिखा हुआ है, देखो ये ऑटोमेटिकली अभी ब्लिंक मारे, जैसे इसमें करंट आएगा तो फिर ये उससे पेयर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पे क्लिप है अटैच करने के लिए। इसके नीचे टाइप सी का आपका वो है चार्जिंग के पोर्ट्स, इसमें पिन भी हैं तो ये केस के थ्रू चार्ज हो जाएंगे। जैसे केस में मैं रखूँगा नीचे तार लगाऊंगा तो इसमें चार्ज हो जाएंगे ये, और इसको चार्ज करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, तो ये दोनों इसमें चार्ज हो जाएंगे, तो सही सिस्टम है। यहाँ पे लाइट भी आएगी, इसमें भी टाइप सी पोर्ट है। और बाकी ये है आपका पावर ऑन ऑफ बटन, इसको मैं ऑफ करना है तो इसे ऑफ ऑन कर सकता हूँ, और इससे आपका वही नॉइस कैंसिलेशन एनेबल होगा या नॉर्मल मोड पर जाएगा। बाकी कंटेंट्स में मुझे लगता है इसके अंदर एक हेडफोन्स दिए होंगे इन्होंने, ये कैरी पाउच हो गया, हेडफोन दे रखे हैं मॉनिटरिंग के लिए टाइप सी वाले, चार्जिंग केबल दे रखी है और ये विंड कट दे रखे हैं। जैसे अगर आपको लग रहा है कि भाई बिना इसके आवाज़ ठीक नहीं आ रही, कुछ विंडी कंडीशन है, तो इसको आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो, इस पर क्लिक हो जाएगा, वो भी फिगर आउट कर लेते हैं कैसे होगा। बाकी का वीडियो फिर हम इसी से ही बनाएंगे ताकि आपको ऑडियो ज़्यादा बेटर बदल जाए। कुछ रबड़ सिस्टम है इसके अंदर, बस ये इसके ऊपर ऐसे ही रबड़ फंस गया और ये हो गया, सिंपल सिस्टम है। तो अब करते हैं यूज़ इसको, क्लिप ऑन तो है ही, अभी इसको निकाल लेंगे और फिर इसको लगा देंगे और देखते हैं कि बाकी के वीडियो में कैसी साउंड आती है नॉइज़ के साथ और नॉइज़ के बिना। तो अब हम माइक चेंज करते हैं, इनडोर टेस्ट करते हैं पहले, फिर उसके बाद आउटडोर टेस्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हमने इसको फ़ोन में प्लग कराया तो ऑटोमेटिकली दोनों डिवाइसेस पेयर हो गए। इस ये अब इसमें ग्रीन लाइट आ गई है, तो ये दोनों पेयर्ड है, एक मेरे यहाँ पे लगा हुआ है इस पर भी ग्रीन लाइट आ रही है और एक हाथ में है। अब इसी के अंदर हम देखेंगे नॉइज़ कैंसिलेशन का फंक्शन भी कि कैसे वर्क करता है। तो मैं अभी एक डिवाइस को तो बंद कर देता हूँ टू अवॉइड कन्फ्यूजन का कि इको ना हो आवाज़, इसको मैंने ऑफ कर दिया। अब एक ही माइक चल रहा है और इसके अंदर हम सेटिंग्स से प्ले करके देखते हैं। जो ये माइक है ये इसका अभी ग्रीन है, तो कोई नॉइस कैंसिलेशन इसमें नहीं है एज पर मैनुअल। अब इसको मैं एक बार देख लेता हूँ बटन को दबा के,
अब ये ब्लू हो गया है। तो अब ये मैनुअल के हिसाब से एक बार चेक कर लेते हैं कि ब्लू का क्या मतलब है। मेरे हिसाब से हाँ तो उल्टा है बेसिकली, जो ब्लू लाइट है तो उसका मतलब है कि आपका नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है। तो अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है, ये इसकी नॉर्मल वॉइस है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी को दबाया नहीं जा रहा, जो इसकी नॉर्मल वॉइस आ रही है आपको दिख रही होगी, चेक 1 2 3 DWM 103। अब जब इसमें ग्रीन लाइट आएगी तब इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो जाएगी। ये मैंने इसको दबा के रखा कुछ सेकंड के लिए, ग्रीन हो गई। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन के बाद क्या सेटिंग में चेंज आया है। ज़्यादा तो आउटडोर में पता चलेगा, जिसमें मैं आपको सेम चीज़ दिखाऊंगा सिंगल माइक से दिखाऊंगा, क्योंकि डबल में इको होती है आवाज़, कोई फ़ायदा नहीं है। रेंज टेस्ट वगैरह इसका कर लेते हैं। बाकी जो इसका वो है, इन्होंने कहा कि वॉल्यूम पे भी कुछ इफेक्ट आता है इसी पावर बटन से, तो शायद साइकिल करती होगी वॉल्यूम। तो मैं बोलते रहता हूँ, देखते हैं वॉल्यूम बटन से कुछ चेंजेस आते हैं नहीं आते। मैनुअल पे तो ऐसा लिखा हुआ है कि वॉल्यूम, वैसे मैंने एक बार दबा दिया, अब इससे या तो तेज़ होगी या धीरे होगी या साइकिल करेगी। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। फिर मैं एक बार और दबा देता हूँ, इसमें भी वॉल्यूम आपकी रोटेशन होनी चाहिए। शॉर्ट प्रेस से ही इन्होंने लिखा है, तो शॉर्ट प्रेस से बेसिकली माइक बंद नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम चेंज होती रहेगी। तो ये इसी बटन पे है, बाकी और कोई अलग से बटन नहीं है, यही दो बटन है। तो इन दोनों के इफेक्ट्स आप पता चल रहे होंगे, वो हम एंड में ऑडियो सुनेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैसा आ रहा है किस सेटिंग पे। अब इसका आउटडोर टेस्ट के लिए हम बाहर आ गए हैं। अभी नॉइस कैंसिलेशन हमने ऑफ कर रखी है, जिससे आपको एम्बिएंट नॉइस का आइडिया लग जाएगा कितनी आ रही है। मेन क्योंकि इसमें एडवांस फीचर यही है, और एक तो एक्स्ट्रा रेंज है और एक नॉइस कैंसिलेशन। रेंज टेस्ट के लिए मैं थोड़ा दूर जाता हूँ, अपने रिसीवर से दूर जा रहा हूँ, जिस जगह हम हर बार चेक करते हैं रेलिंग के पास, इस रेलिंग पे मैक्सिमम नॉइज़ आती है। यहाँ पे ट्रैफिक है बहुत और पास पास की आवाज़ आ रही होगी रोड की। अब मैं इसमें ऑन कर देता हूँ, 1 लॉन्ग प्रेस कर दिया, अब हो गई है एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन। तो इससे अब आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या इफेक्ट आ रहा है। आस पास बहुत शोर है क्योंकि मेन रोड है, तो आउटडोर में तो ये फीचर काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि आउट उसमें आप एम्बिएंट नॉइज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं होता। इंडोर में तो आप वैसे ही पिन ड्रॉप साइलेंस में रिकॉर्डिंग कर ही सकते हैं। तो ये हो गया इसका लास्ट एंड फाइनल टेस्ट नॉइज़ कैंसिलेशन का आउटडोर में और रेंज का। तो 30 मीटर्स वैसे काफ़ी होती है। तो अभी हमने नॉर्मल टेस्ट कर लिया है, और अब इसकी प्राइसिंग के बारे में आपको बता देते हैं। प्राइसिंग जो इन्होंने रखी है, जो स्पेसिफिकेशंस है, ऑलमोस्ट इसकी जो हॉली लैंड का माइक आता है उस टाइप का माइक इन्होंने डिज़ाइन करने की कोशिश करी है, लार्क M1 DO। तो वही इसका मेन कॉम्पिटिटर है जो फ़ोन के लिए आया है, तो वो उसका प्राइस जो है 11,000 के आसपास है। तो उस हिसाब से इन्होंने प्राइसिंग कम रखी है। रोड से तो खैर कम्पीट कर ही नहीं रहे, क्योंकि रोड का इस टाइप का कोई माइक आता नहीं है माइक फ़ोन के लिए। तो बोयाक से या हम इसको उससे कंपेयर कर सकते हैं आपका हॉली लैंड लार्क M1 DO से। तो और प्राइसिंग जो है इन्होंने प्राइसिंग उससे कम रखी है, प्राइसिंग है इसकी सिर्फ 4,000 रुपये। तो ऑलमोस्ट कोई हाफ से भी कम प्राइसिंग है, और वही 6 महीने की वारंटी है, फीचर्स वगैरह एट पार विद कंपटीशन है। बस रेंज उनकी हॉली लैंड की ज़्यादा है, वो 200 मीटर बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पजेज के 200 मीटर चाहिए नहीं होती, 30 मीटर भी काफ़ी है। और साउंड क्वालिटी जो है वो आप जज कर ही सकते हैं। और हाँ, इसके केस में अपनी बैटरी नहीं है, उनके केसेस में अपनी बैटरी भी होती है, इसमें केस की अपनी बैटरी नहीं है। इसको आपको बस जब आप चार्जर लगाओगे तभी चार्ज होगा, ऑटोमेटिक बैटरी नहीं है उसके अंदर। दूसरे वाले मॉडल्स के अंदर हॉली लैंड वगैरह के अंदर या रोड में वो जो केसेस आ रहे हैं उसके अंदर अपनी बैटरी होती है, बस एक ही फ़र्क है। तो हो गया ये वर्सेटाइल टेस्ट, एक्चुअल वॉइस आपने सुन ली, आप डिसाइड कर सकते हैं। और लेना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गैलेक्सी फोटो स्टोर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।